संसार का सबसे सनातन सबसे पुरातन जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, बिल्कुल सही बात है। और जब हिंदू भाई प्राउडली किसी से मिलते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूँ, कहना चाहिए, आपको अपने धर्म पर नाज फक्र होना चाहिए। लेकिन आपको पता है हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन है, आप कन्फ्यूज्ड हो यार, आपको पता ही नहीं है आपका आराध्य कौन है। कभी आप किसी के दहलीज पे चले जाते हो, कभी आप किसी को मानना शुरू कर देते हो, कभी आप किसी को मानना शुरू कर देते हो, आपको एक्चुअल में ज्ञान ही नहीं है कि एक्चुअल हमारा आराध्य कौन है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है भैया। आपको आज तकलीफ करेगी ये बात, आपको बुरा लगेगा, लेकिन सत्यता को झुठलाया नहीं जा सकता यार। आप जिस राम के चक्कर में लड़कट मर रहे हो, क्या उस राम की जानकारी है आपको? आप मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा करने में लगे हो, जबकि वेद पुराण और आदि सदग्रंथों में जिसकी चर्चा की गई है वो परमात्मा है भैया। उस परमात्मा रूपी नाम को राम कहा गया है, और आप किसको राम कह रहे हो? मर्यादा पुरुषोत्तम को। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। साहब आप किस कंफ्यूजन में जी रहे हो यार, आप कहाँ पे हो भैया? आप कहते हो ना कि आप हिंदू हो, बहुत सारे लोग टीका लगाकर जटाजूट रखा करके अपने आप को प्राउडली कहते हो ना, बहुत सारे नौजवान आज बड़ा प्राउड बड़ा गर्व फील करते हो कि मैं हिंदू हूँ, होना चाहिए यार। लेकिन क्या कुछ श्लोकों का ज्ञान है, कुछ मंत्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, श्रीमद् भगवत का गीता का ज्ञान है? नहीं ज्ञान है यार। आप काल कपोल में जिंदगी जिला रहे हो, कभी आप शंकर जी को पूजने लगते हो, कभी गौरी जी को, कभी गणेश जी को, कभी हनुमान जी को, कभी राम जी को, कभी दुर्गा जी को, कभी पार्वती को, कभी फलाना को, कभी ढिमका को, आप कंफ्यूज हो भैया, आपको पता ही नहीं एक्चुअल में आपका आराध्य कौन है यार। सच में कह रहा हूं भैया कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा हम कंफ्यूज्ड है यार, हमें पता ही नहीं चलता किसको कब पकड़े किसको कब छोड़ें। जो जो कह देता है वो हम कर जाते, कभी लाल चटनी पी लेते हैं, कभी काली चटनी पी लेते हैं, कभी 10 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं, कभी कावर लेके चले जाते हैं, कभी कुछ और करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तव में जो वेदों में जो गीता में जो बताया गया है, नानाह शास्त्र पठेन लोकः नानाह देव पूज्यताम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थका यार। नाना प्रकार के आप देवी देवताओं की पूजा कर लो, नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर डालो, इस आत्मा का ज्ञान नहीं है ना साहब, सारे कार्य निरर्थक हैं यार। यतो वाचो निर्वंतते अपताप मनसा सा, मन वाणी के साथ युक्त होकर के जहां से उस परमात्म तत्व को ना प्राप्त करके पुनः लौट आती है उसके परे परमात्मा है यार। और हम आप कहते हैं मरा मरा राम राम कहने से इस तत्व की प्राप्ति होगी, पता भी है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम क्या मरा मरा कह करके वाल्मीकि जी इस तत्व को प्राप्ति किए थे कि उन्होंने अपनी अर्धधारा को ऊर्ध कर दिया था, उन्होंने अपनी चेतना को उस परमात्म तत्व से कनेक्ट कर दिया था, प्लग कर दिया था, और साधना में बैठ करके घनघोर तपस्या करने के बाद ईश्वर की प्राप्ति किए थे। क्या जानकारी है भैया? गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। ये हमारे नेत्रों के माध्यम से जो भी संसार को हम देख रहे हैं ये सब माया का रूप है यार। हम आप मंदिर मस्जिद में लड़ झगड़ मर रहे हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब चकनाचूर हो जाएगा। ईश्वर का इस मंदिर मस्जिद फलाना ढिमका से कुछ लेना देना ही नहीं है यार। परमात्मा का सिर्फ उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो तो हम करना नहीं चाहते, उस पे तो हम कभी वाद विवाद करते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। हम किस में जूझ रहे हैं, हम किस पर लड़ झगड़ रहे हैं? हम केवल काल कपोल नौटंकियों में जूझ रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं ना कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा लोग भ्रमित हैं, सबसे ज्यादा लोग विचलित हैं। हजारों गुरुओं की बाढ़ आ गई है, सब एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबका अपना धंधा चलना चाहिए, सबकी अपनी बाजार लगी है, सबके अपने बाजार चलने चाहिए। कोई कथा करा रहा, कोई कहानी करा रहा, कोई भगवत गीता की कहानी सुना रहा, लेकिन वास्तविक ज्ञान न किसी के पास है, न कोई बताना चाहता है। जब होगा तब तो बताओगे ना यार, आपके पास तो ज्ञान ही नहीं है। आप तो लोगों को जटा जूट तमाम तरह के
सिंगारों में अपने आप को तैयार करके बैठते हो मंच पर और हुंकार भरते हो और बताते हो कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा। अरे भैया, आध्यात्म ये बाड़ी का विषय नहीं है यार, ये हाथों का विषय नहीं है। हाथ जोड़ लिया, व्रत कर लिया, गंगा में डुबकी लगा ली और मिलगेश्वर प्राप्त कर लिया। स्वामी विवेकानंद बड़े दुखी थे, कब पता है, जब सुबह सुबह टहलने जाते थे, एक वृद्ध आदमी को मंदिर में जल चढ़ाते देखते थे ना, उनका खून खौल जाता था, वो बड़े दुखित होते थे। उनका शिष्य पूछता था कि क्यों आप दुखी हो जाते हैं बुढ़े को देख करके, और कुछ दूर चलने पर जब बच्चे को देखते थे जल चढ़ाते तो खुश हो जाते थे। शिष्य कहता था कि बुढ़े को देखकर दुखी होते हैं, बच्चे को देखकर खुश होते हैं, आखिर रीजन क्या है, आखिर कारण क्या है, माजरा क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि वो तो एक बच्चा है, अभी पहली कक्षा में पढ़ रहा है, उसका जल चढ़ाना मंदिर में समझ में आता है, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक मंदिर में जल चढ़ाता रहा, क्या आध्यात्म यहीं तक सीमित है? आप लड़ते झगड़ते हो ना, आप बताते हो कि हिंदू मुसलमान तय बड़ी कि मैं बड़ी, मेरा धर्म सबसे ऊंचा, मेरा धर्म सबसे महान। कभी इंसानियत के भी लिए अपनी आवाज़ उठाए हैं? कभी इंसानियत के लिए भी आपने कभी लड़ाई झगड़ा किया है? कभी आप मानव धर्म के लिए भी आपने अपनी आवाज़ उठाई है? किसके लिए परेशान हो यार? हाँ, किसके लिए भैया परेशान हो? बाप मरे अंधियारे में, बेटवा का नाम पावर हाउस, घर की स्थिति चरमराई हुई है, और हम अपने आप को हिंदू 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 कहने में लगे हैं। कहो यार भैया, गर्व करो, प्राउड फील करो, लेकिन यार वास्तविक ज्ञान तो आपके पास होना चाहिए ना। वेद का, गीता का, पुराण का, रामचरितमानस का ज्ञान तो होना चाहिए ना। वास्तविक ज्ञान क्या, उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो विरंचि शंकर सम होई। सुनो, पहले ध्यान से सुनो, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो विरंचि शंकर सम होई। भोलेनाथ जैसे तीसरी भूमि की साधना कर रहे हैं, अभी भी वो साधना में है, भौतिकता में है यार, और हम आप उन्हीं के पीछे पड़े हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथई गावा। बड़े भाग्य से मानुष का यह तन मिला है, इसको पाने के लिए तो यार देवी देवता भी तरसते हैं, जिसकी हम आप पूजा पाठ करते हैं। यही तो एक मानव शरीर है जिससे परमात्म तत्व की प्राप्ति की जा सकती है, और आप उन्हीं की पूजा करने में परेशान हो जो खुद मानव का शरीर पाना चाहते हैं। माँ काली के बहुत बड़े भक्त रामकृष्ण परमहंस माँ काली को हाथों से भोजन कराते थे। एक दिन माँ काली से कहने लगे, हे माते, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, इस दुनिया से उपरम होना चाहता हूँ। माँ काली ठठाके हंसी और बोली कि पुत्र, मुक्त तो मैं भी नहीं हुई, मैं भी इस मानव शरीर को पाना चाहती हूँ, बड़ी लालायित हूँ, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, और आप मुझसे कहते हो कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ। आपको सदगुरु खोजना पड़ेगा अपने जीवन में, वही सदगुरु एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा जरिया है जो आपको परमात्म तत्व तक पहुँचाने के लिए जिम्मेवार होगा। और उस वक्त के सदगुरु थे तोतापुरी। रामकृष्ण परमहंस ने उपदेश लिया ब्रह्म विद्या का और अपने जीवन को वो तार गए। क्या हमको जानकारी है, क्या हम वेद गीता पुराण पढ़ते हैं कि बस खाली ढोंग ढकोसले में जिंदगी जी रहे हैं? मेरा धर्म सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, मेरा धर्म ऐसा क्यों भैया? कुछ जानकारी भी है, एथिक्स प्रिंसिपल, नियम कानून कायदे कुछ पता भी है कि बस खाली डुग्गी पीट रहे हो कि मेरा धर्म सबसे बड़ा, मेरा धर्म सबसे महान? हाँ, इस चराचर जगत में जिस तरह से जीवों की हत्या की जा रही, मांस मदिरा का सेवन चल रहा है, क्या मानव जीवन का यही उद्देश्य है? क्या मानव जीवन में ये मांस मदिरा, ये भोजन, यही लिखा हुआ है? आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशुवी नाराम धर्मो हितेशा अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुवी समाना। हम खाना जाने, पीना जाने, सोना जाने, लड़ना जाने, झगड़ना जाने, काम क्रोध लोभ मोह जाने, लेकिन हम अगर यही काम हम करते रहे, पशु पक्षी भी करते रहे, तो डिफरेंट क्या है भैया हमारे उनके बीच में? क्या डिफरेंट है? मांस तो मानव का भोजन हो नहीं सकता, वो हिंदू हो मुसलमान हो यार। ना अल्लाह कहता है, ना भगवान कहता है कि काट मार और खिला मुझे। वो ईश्वर अल्लाह असहाब कभी किसी को, किसी जीव की हत्या करने का आदेश या गवाही नहीं देता। कुरान में जो कुर्बानी कही गई है, दरअसल उसके अर्थ को लोगों ने अपने स्वार्थ के चक्कर में अनर्थ कर डाला है यार।
कुरान में कुर्बानी कही गई अपने काम क्रोध लोभ मोह इनकी कुर्बानी करो यार, ये आपको प्यारा लगता है, ये आपको अच्छा लगता है, चोरी बेईमानी निंदा स्तुति ये सब आपको अच्छा लगता है, इसकी कुर्बानी करो। अल्लाह कहता है, अल्लाह वो परवरदिगार असहाब कहता है इसकी कुर्बानी कर यार। और हम कुर्बानी किसकी करते हैं? हम जियो की कुर्बानी करते हैं। अरे आपके बच्चों को अगर थोड़ा सा चोट लग जाती कितनी तकलीफ कितना दर्द होता है यार, सोचकर जरा देखो ना। आपका ये भी जवाब आएगा कि अरे यार ये जीव जंतु तो बने हैं मानव के उपभोग के लिए, नहीं इनको खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी। तो मानव की भी तो संख्या बढ़ रही दिन प्रतिदिन भैया, मैं हिंदू और मुसलमान दोनों को कह रहा हूँ, मांस भक्ष से आपको दूर होना पड़ेगा यार, आपको शाकाहारी जीवन बिताना पड़ेगा। फल फूल दूध साग सब्जी हमारे लिए उस ईश्वर ने प्रसाद के रूप में बिखेरा है, हमको आपको उसको प्राप्त करना चाहिए। अगर हम आप मांस भक्षी होते तो हमारे दांत नुकीले होते, हम पानी को चाट कर पीते और मांस को कच्चा खा जाते। हम तो यार बड़े सुंदर विवेकशील, इस धरती का सबसे विवेकशील प्राणी मनुष्य है, फिर भी हम मांसों को खाते हैं। एक लाश जलाने जाते हैं तो नहाकर अंदर आते हैं, और एक जीव को काट कर खाते हैं तो बीवी बच्चों के साथ मुंह से मुंह लगाकर सोते हैं। वाह रे मानव, वाह रे इंसान, क्या जबरदस्त नॉलेज गेन कर रहा है यार, क्या जबरदस्त शक्ति प्राप्त कर रहा है। और भारत सरकार के सभी महामहिमों से कहना चाहूंगा यार, भैया साहब नेता नूती, कम से कम धर्म मजहब को छोड़कर इंसानियत का भी तो आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इंसानियत को भी तो बढ़ावा दे सकते हैं। जो बुरे लोग हैं उनको एजुकेट करो, शिक्षित करो, उनके लिए एक अपनी अलग लॉबी बनाओ, अपनी अलग क्लास बनाओ। हिंसा से हम बचें, हम लोगों पर दया करें और हम लोगों को मानव बनने के लिए सिखाएं। मनुर्भव, मनुष्य बनो यार, अभी कहा मानव, ये शरीरिया पा जाने से मनुष्य थोड़ी बन गए हैं, अभी इसके अंदर वो अच्छे तत्व तो आने चाहिए। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से तो लबरेज है भैया, मानव कैसे बनेंगे यार, ये शरीर पा जाने से मानव थोड़ी। एक दिन दांत निपोर करके इस दुनिया से चले जाओगे और रह जाएगी तो सिर्फ यहाँ हिंदू और मुसलमान की लड़ाई। क्या करोगे, ये घर परिवार बीवी बच्चे सब यहीं रह जाएंगे, कोई आपका है नहीं, पता है ये हथो आपका नहीं है, ये गटई ये मूड ये सर कुछ नहीं है, ये सब बेकार, ये सब कपड़ा है यार। अंदर बैठी आत्मा हजारों साल से भूखी और प्यासी है, इसका हमने भोजन दिया क्या? एक रास्ता बताता हूँ, ब्रह्म विद्या विहंगम योग का, जाओ यार उस ज्ञान से जुड़ो, वास्तविक ज्ञान का भंडार है भैया। न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, हर किसी को वो ज्ञान अपने ज्ञान से नहलाती है। आप स्नान तो करो यार, वास्तविक जीना सीख जाओगे। एक गंगा बाहर बह रही है और एक गंगा हमारे अंदर है, एक त्रिवेणी बाहर है एक त्रिवेणी अंदर है। बाहर की त्रिवेणी में तो नहा लेते, लगता है हम मर्डर करके आए हैं, आज हम पवित्र हो गए, यह। और एक त्रिवेणी अंदर है जिसमें स्नान करना बाकी है। साहब आप सबसे कहना चाहूंगा कि यार इंसान बनो, और अगर आप हिंदू और मुसलमान हो ना तो दोनों अपने अपने धर्म और मजहब की वास्तविक ज्ञान से परिचित हो यार, नहीं जानकारी, कुछ नहीं जानकारी है, नौटंकी करते हो खाली जाति और धर्म मजहब के नाम पर। और एक चीज सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, आप हिंदू हिंदू कहते रहते हो ना कि हिंदू को एक होना पड़ेगा, कैसे होगा यार, आप तो अहिर गढ़िया बाभन कुर्मी पासी चमार में बटे हुए हो, कैसे एक होगे यार। आप कहते हो ना कि एक होना है, एक होना पड़ेगा, कैसे होगे, जाति से तो पहले ऊपर उठो यार, आप तो आपस में खुद ही कट मर रहे हो। जब पंडित मार खाता है तो अहिर गड़रिया कहते हैं गैस बभनवा मार खा रहा, मार खाने दो। जब अहिर गड़रिया मार खाते तो बभनवा ठकुरवा कहता है मार खाने दो साले को। आप में एकता नहीं है, आप कहते हो हिंदू को आगे आना पड़ेगा। हाउ इज पॉसिबल लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपने आप को पहले एक तो बनाओ यार, हिंदू हो तो हिंदू बनो तो पहले। आप तो जाति में बटे हुए, आप में इतना भेदभाव है, आप में इतनी कुरीतियां हैं, आप में इतनी नौटंकीबाजी है जितना कहीं नौटंकीबाजी नहीं। इसी वजह से हिंदुस्तान के राजनेताओं को एक मुद्दा मिल जाता है कि इनको रोजगार के नाम पर बरगला दो, इनको धर्म के नाम पर बरगला दो और इनके जीवन के अस्तित्व को मिटा दो यहाँ से।
साहब आप सबसे कहना चाहूंगा बड़ी मोहब्बत से, आज बहुतों की आत्मा पर चोट लगी होगी, लगे यार मेरी बला से यार, स्वतंत्र भारत देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार रखता हूँ, और जिसको दिक्कत हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, वो आए बैठे डिबेट करे, बातचीत करे, वेदों का ज्ञान लेके आए, शास्त्रों का ज्ञान लेके आए, बैठे, अहंकार में बात नहीं कर रहा हूँ यार, एक ऐसी सत्ता का पथिक हूँ, एक ऐसी सत्ता का अनुयायी हूँ जिसने इंसान को इंसान बनना सिखाया है यार, इसीलिए कहता हूँ धर्मी मजहबी मत बना मुझे मत समझ, गर इंसान है तू तो इंसान ही समझ, गर की है मोहब्बत भरी दो लफ्ज की बातें तो तू भी मुझसे कर मोहब्बत भरी दो लफ्ज की बातें। साहब इस संसार से सब कुछ यहीं रह जाएगा, और रह जाएगी तो सिर्फ हमारे आपकी कर्म।